जस्ट नागिन 3 खत्म हुई है और नागिन 4 आने वाला है, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या आप? मुझे कुछ नहीं पता नागिन 4 के बारे में। 3 में मैं गया शिवन्या के साथ, निकल लिए। तो अब आपको ये सारे जवाब एकता जी दे सकती हैं, बिकॉज जो उनके माइंड में चलता है ना, वो कसम से भगवान भी नहीं जानता, वही बता सकते हैं, बिकॉज शी इज जस्ट फैब विद हर आइडियाज। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले एक ही नागिन थी, अब 2 नागिन हो गई है। नहीं, मेरे साथ तो 2 थी, सीजन 3 में 3 थी, अब 4 में 14 आ जाए मुझे नहीं पता। I have no idea, यार। I think it's just generally connection of audience, you know, किसी एक particular reason के वजह से hit नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बुरा चला, it had a good run and मुझे लगता है कि नागिन 1 के बाद है ना, एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद कोई और करेगा, या यू नो वैसे टाइप एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो वो भी कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन हो जाता है ना 1 और 2 से। बट 2 में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब ऐसा हो सकता है, तो 3 में सबको एक फ्रेश स्टार्ट मिला। और 2 में क्या हुआ कि मोनी के साथ देयर वाज अ डिफरेंट गाय, 3 में देयर वाज अ कम्प्लीटली न्यू पेयर। तो हो सकता है दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस, नो पेयरिंग इज वन ऑफ द रीजंस, हो सकता है पीपल वर यूज्ड टू सीइंग अ सर्टेन पर्सन। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, नो ऑफेंस टू करमवीर, इज माय फ्रेंड एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर और बहुत अच्छा किया उसने, बट मुझे लगता है कि शायद ये रीजन हो सकता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट।